गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बदलते समीकरणों के साथ साथ दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। अभी हाल ही में गुजरात में पिछड़ा वर्ग के युवा नेता अल्पेश ठाकोर के कांग्रेस में शामिल होने से माना जा रहा था कि अब पिछड़ा वर्ग का समर्थन हाथ के साथ है, लेकिन अल्पेश ठाकोर के ही संगठन के 200 नेताओं ने आज कमल का हाथ थाम कर कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया है। कांग्रेस में शामिल हुए पिछड़ा वर्ग के युवा नेता अल्पेश ठाकोर को झटका देते हुए उनके संगठन ठाकोर सेना के 200 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरवल्ली जिला के बायड में गुजराती नववर्ष पर आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में ठाकोर सेना के सदस्यों ने बीजेपी का कमल खिलाया। इन लोगों ने अल्पेश ठाकोर के राजनीति में शामिल होने से नाराज होकर ये कदम उठाया। ठाकोर सेना के सदस्यों का कहना है कि अल्पेश ने सामाजिक आंदोलन के साथ चलने का वादा किया था, लेकिन अब वो राजनीति में शामिल हो गए हैं, इसलिए हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने रैली का आयोजन कर कांग्रेस उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया था और 23 अक्टूबर को इसी रैली में कांग्रेस का हाथ थामा था। अल्पेश ठाकोर ओबीसी एससी एसटी एकता मंच और ठाकोर क्षत्रिय सेना के फाउंडर हैं। अल्पेश वही नेता हैं जिन्होंने पाटीदार आरक्षण आंदोलन का विरोध किया था, जब हार्दिक पटेल ने 2015 में पाटीदारों को सरकारी नौकरियों में एजुकेशन में ओबीसी के तय कोटे के तहत रिजर्वेशन देने के लिए आंदोलन शुरू किया, तो ठाकोर ने भी उनके जवाब में ओबीसी एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए आंदोलन शुरू किया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।